कमलनाथ ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश और केंद्र ने मिलकर काम किया था, जिस पर हम कोरोना पर काबू पाने में कामयाब रहे और अब देश में लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और जंग जारी है। तो कृषि कानूनों को लेकर सीएम योगी ने कहा है कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है और सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। कि आखिर 1947 में देश आजाद हुआ था, 1950 में देश ने संविधान लागू किया, 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था और लगातार इस देश के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। आखिर कांग्रेस ने देश के अंदर सॉयल हेल्थ कार्ड जारी क्यों नहीं किया था? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू क्यों नहीं की थी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू क्यों नहीं की थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू क्यों नहीं की थी? आज तो अकेले उत्तर प्रदेश में 2,42,00,000 किसान को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। ये लाभ पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन जब किसान किसी के राजनीतिक एजेंडे में होता तो ना, एजेंडा तो यहां पे तुष्टीकरण का हुआ करता था, जाति का होता था, मत और मजहब का होता था। न किसान उनके एजेंडे में कभी था, न गांव था, न गरीब था, न किसान था, न नौजवान था, न महिलाएं थी। किसान अपनी खेती करता है, बहुत सारी जगह किसान के बदले बटाईदार खेती करता है, लेकिन अगर किसी दुर्घटना का शिकार होता था तो उसे बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। मुख्यमंत्री कृषक बीमा योजना के अंतर्गत किसान के परिवार के कमाऊ सदस्य और बटाईदार को भी 5,00,000 रुपए का जीवन बीमा का कवर देने का काम सरकार ने प्रारंभ किया है। और जहां कहीं भी भगवान करे किसी के घर में आपदा ना आए, लेकिन अगर कहीं कोई आपदा आती है तो उस आपदा से बचाव के लिए हर एक किसान को, किसान के परिवार के कमाऊ सदस्य को और किसान के यानी किसी खेती को करने वाले बटाईदार को 5,00,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा का हमें तत्काल लाभ देना चाहिए, अगर वो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो। जो लोग आज छोटा पशुओं को, निराश्रित गोवंश को मुद्दा बना रहे हैं, इन निराश्रित गोवंश न मेरा है, न मेरे मंत्रिमंडल के किसी सदस्य का है, न हमारे किसी विधायक का है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी हम लोगों ने ली है। 5,50,000 से अधिक गोवंश आज के दिन पर सरकारी गौशालाओं में है और प्रदेश के अंदर सहभागिता योजना के माध्यम से भी लगभग 75,000 से अधिक गोवंश हम लोगों ने किसानों को दिया है, जिसमें प्रति गोवंश 900 रुपए हर महीने उस परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है।